मोर डिलिशियस रेसिपीज सब्सक्राइब सारस किचन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साराज किचन और आज मैं अपने किचन में आपके लिए हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको गाजर का हलवा सिखाया था जो कि ड्राई मिल्क पाउडर से बनाया था मैंने, आज मैं फ्रेश मिल्क से बनाऊँगी। ये हम अपने घर के लिए जो बनाते हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास गाजर है, 4 किलो गाजर है जिसको मैंने कश कर लिया इस तरह से। चीनी इसमें जाएगी 800 ग्राम। देसी घी है मेरे पास तकरीबन, ये भी आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। नारियल है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क करके काट लिया है, इसको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे 15 से 20 इलायची हैं, हरी इलायची, इसको भी हम पीस लेंगे। यहाँ अखरोट है मेरे पास, यहाँ पे जो मेवे हैं मेरे पास, इसमें बादाम है 200 ग्राम, 200 ग्राम पिस्ता है, 200 ग्राम ही मेरे पास काजू है और ये मैंने गार्निश करने के लिए बादाम और पिस्ते को काट लिया है। दूध मेरे पास है 10 किलो, वो मैं इसमें अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये सारे मसाले जो हैं इनको पीस लूँगी, इलायची भी पीस लूँगी, नारियल भी पीस लूँगी और ये अखरोट भी, सारे मेवे जो हैं इनको मैं पीस लूँगी क्योंकि बच्चे फिर ये नहीं खाते हैं, अगर मुँह में आए तो नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग इसको पीस के डालेंगे। आप इनको ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, बड़ी कढ़ाई, इसमें मैं सबसे पहले गाजरों को ऐसे ही खाली इसमें शामिल करूँगी बग़ैर घी के या दूध के। इसका मैं पानी खुश्क करूँगी इसके अंदर। गाजर का पानी जो है इसको हम थोड़ी देर खुश्क करेंगे। मैं आपको बता दूँगी अभी कि मैंने इसको कितने मिनट तक इसमें खुश्क किया है। आँच को आप तेज़ रखें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। गाजर का पानी मैंने तकरीबन 5 मिनट तक खुश किया है। अब ये मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी, मेरे पास 10 केजी दूध है तो मैं थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी। यहाँ पे 10 केजी दूध है, इसमें से अब मैं थोड़ा उसमें शामिल करूँगी पहले, फिर बाकी शामिल करूँगी। 2-2 केजी करके मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 किलो दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैंने इसमें 2 किलो दूध और शामिल कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको पकाऊंगी। हलवे को पकते हुए तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक मैंने इसमें 4 किलो दूध शामिल किया। आधे घंटे के बाद इसमें मैंने तकरीबन 3 से 3.5 किलो दूध और शामिल कर दिया। अगर इसमें सारा दूध मैं एक दफ़ा ही डाल दूंगी तो फिर इससे हलवे का कलर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से पहले थोड़ा थोड़ा खुश्क करके साथ साथ मैं इसके शामिल करूंगी। अब इसको फिर से पकाएंगे। हलवे को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब जो दूध बच गया था वो भी मैं सारा इसमें शामिल कर दूंगी। अब हलवे में सारा 10 किलो दूध मैंने शामिल कर दिए। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इलायची पाउडर जो मैंने पीस के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आप साबुत इलायची डालना चाहते हैं तो ऐसे भी डाल सकते हैं, मैंने पीस के शामिल की है। हलवे को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब दूध आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया है।
हलवे को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और दूध का अब खोया बनना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये दूध खुश्क हो जाएगा इसमें ये छींटे उड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप अपने हाथों को या तो ग्लव से महफूज करें या किसी रुमाल वगैरह से कवर कर लें। इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे इसमें। अब तकरीबन दूध खुश्क होने वाला है। अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी मैंने 800 ग्राम ली है। अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप कम शामिल करें, अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें। मेरे पास क्योंकि 10 किलो दूध है, 4 किलो गाजर है, तो इसी हिसाब से इसमें 800 ग्राम चीनी जाएगी। लेकिन आप अपने हिसाब से जितना, अगर आप कम हलवा बना रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर लें। हलवे में दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तकरीबन मुकम्मल ही खुश्क हो गया। अब मैं इसमें घी शामिल करूँगी। घी मेरे पास 1/2 kg है। अब घी शामिल करके मैं हलवे को अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई करेंगे। इसमें खोया बन चुका है, दूध का मुकम्मल खोया बन चुका है, ये देखें। दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हलवे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है घी में। अब यहाँ पे ये मेरे पास मेवे हैं, जो मैंने मेवे लिए थे वो सब मैंने पीस लिए हैं। ये मैं इसमें सारे शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से भून लेना है।
हलवे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है, इसमें से नमी सब ख़त्म हो चुकी है। अब इसकी आंच को मैं बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। हलवे को मैं अपनी डिश में निकाल लूंगी। ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बनके तैयार है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।